तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिंग सिंघे के हाथ से उस प्रैक्टिस बुक को छीन लेती है और अब उस बुक को पढ़ने के बाद वह सिंघे पर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि आखिर सिंघे यह क्या पढ़ रहा है। अब सिंघे उसे बताता है कि यह एक एक्सरसाइज बुक है जो सांगवेन सुन ने उसे दिया है। यह सुनते ही यूनिंग बोलती है इस जगह पर उसे सांगवेन सुन की इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है। तभी सिंघे उससे बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि इस जगह पर सांगवेन सुन उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही है और सिंघे की पावर को बढ़ाने के लिए ही उसने सिंघे को यह बुक दिया है। तभी यूनिंग बोलती है तो तुम यह ट्रेनिंग आंसिन यू के साथ करना पसंद करोगे। सिंघे बोलता है बेकार की बातें मत करो, मैं अपनी शादी होने तक इसका इंतजार करूंगा और शादी के बाद इस ट्रेनिंग को करूंगा। तभी यूनिंग बोलती है बेकार की बात इस जगह पर तुम कर रहे हो, अगर तुमने अभी इस ट्रेनिंग को किया तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर सिंघे यूनिंग के हाथों से बुक छीनता हुआ उसे मना कर देता है। अब यह देखकर यूनिंग सोचने लगती है कि सिंघे इस जगह पर आंसिन यू को काफी ज्यादा पसंद करता है और वह इस जगह पर आंसिन यू के अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोचता है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह इस जगह पर हार नहीं मानेगी। जिसके बाद यूनिंग सिंघे के पास जाकर बोलती है कि वह यह ट्रेनिंग करना चाहती है और वैसे भी इस ट्रेनिंग को करने के लिए इंसान का हार्ट और माइंड दोनों ही प्योर होना चाहिए, तो सिंघे को यह ट्रेनिंग उसके साथ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर सिंघे उसे मना करता हुआ उस जगह से जाने लगता है। तभी यूनिंग बोलती है कि सिंघे अगर इस जगह पर अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है और वह आन्यू फैमिली को सबक सिखाना चाहता है तो इस जगह पर उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि वह जितना देर करेगा आने वाले टाइम में उसके फैमिली को उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब उस जगह पर यूनिंग की बात सुनकर सिंघे उस ट्रेनिंग को करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह और यूनिंग उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, पर एक ऑरा प्रेशर से वह दोनों पीछे हट जाते हैं। अब यूनिंग बोलती है सिंघे आखिर इस जगह पर तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम आंसिन यू के बारे में तो नहीं सोच रहे। अब सिंघे यूनिंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि वह पहली बार यह करते हुए काफी ज्यादा नर्वस था, इसी वजह से उससे यह गलती हुई, पर अब वह ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वह दोनों दोबारा कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे की मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। वहीं अपने कमरे में बैठा सिंघे कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह अपने कल्टीवेशन से उठकर सोचने लगता है उस प्रैक्टिस को करने के बाद इस जगह पर मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और तो और यूनिंग भी हेवनली रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुकी है, और अगर वह 1 महीने तक इसी तरह प्रैक्टिस करे तो वह हेवनली रैलम के 8th लेवल पर भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उन्हें आन्यू फैमिली से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब सिंघे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है जिस जगह पर उसके मॉम डैड यूनिंग के साथ पहले ही बैठे होते हैं। तभी सिंघे यूनिंग से बोलता है कि आज से तुम इसी जगह पर खाना खाओगी, क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फैमिली से निकाल दिया है, पर तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब सिंघे की मॉम यूनिंग को सर्व करती है, जो देखकर यूनिंग उन्हें थैंक्स करती है। तभी सिंघे की मॉम बोलती है कि आप एक प्रिंसेस हो और हमारे साथ बैठकर यहाँ पर यह मामूली सा खाना खा रही हो। तभी यूनिंग बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, सिंघे की मॉम इस जगह पर काफी अच्छा खाना बनाती है। तभी सिंघे की मॉम बोलती है कि सिंघे एक जिद्दी पर्सन है और वह हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहता है, पर यूनिंग हमेशा उसे सपोर्ट करती है, यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश है। तभी सिंघे के फादर बोलते हैं सिंघे तुमने कमांडर होंग से कुछ प्रॉमिस किया था, तो क्या तुमने वह चीज उनके पास भेज दी है। सिंघे बोलता है हाँ मैंने वह भेज दिया है, क्योंकि हम इस जगह पर इंपीरियल आर्मी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर यूनिंग और सिंघे की मॉम आपस में बात कर रही होती है। तभी सिंघे की मॉम बोलती है कि आखिर नॉर्थन सिटी के प्रिंस ने तुम्हें अपनी फैमिली से क्यों बाहर निकाल दिया, क्या तुम्हारी मॉम ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। अब यह सुनते ही यूनिंग वहां पर उदास हो जाती है और अब वह उन्हें बताती है कि जब वह काफी छोटी थी तभी उसकी मॉम मर गई थी और उसी दिन से यूनिंग अकेले ही रहती आ रही है। वह कभी कभार ही अपने फादर से भी मिल पाती है, क्योंकि उसके फादर हमेशा बिजी रहते हैं। और अब यह बोलते हुए यूनिंग रोने लगती है, जो देखकर सिंघे की मॉम उसे शांत करती है और बोलती है कि
तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज से हमारा घर तुम्हारा भी घर है। अब यह सुनकर यूनिंग सिंगे के मॉम के गले लग जाती है। तभी सिंगे की मॉम बोलती है कि वह जल्द ही फैमिली के पैट्रियार्क से पूछकर यूनिंग और सिंगे की शादी करवा देगी, जिसके बाद इस जगह पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही सिंगे और यूनिंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी सिंगे बोलता है, मॉम आप यह क्या बोल रही हो। यह देखकर सिंगे की मॉम बोलती है, तो क्या तुम दोनों शादी नहीं करने वाले हो। यह सुनते ही सिंगे सोचने लगता है कि आज मेरी ही वजह से यूनिंग की यह हालत है, तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। पर उसे नहीं पता कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी यूनिंग आगे बढ़कर सिंगे की मॉम से बोलती है कि उन्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, वह और सिंगे बस अच्छे दोस्त है और कुछ भी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगे और यूनिंग बाहर घूम रहे होते हैं। तभी सिंगे उस जगह पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसी वक्त यूनिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह जानती है कि सिंगे बस आंसिन यू से प्यार करता है और आंसिन यू ने सिंगे के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया है और वह आंसिन यू को बचपन से ही जानती है और उसे देखती आ रही है। आंसिन यू ने बचपन से ही कई सारे कष्ट सहे हैं और टियानहैन फैमिली आंसिन यू और उसकी छोटी बहन सुयान का बस यूज करना चाहती है और कुछ भी नहीं। और टियानहैन फैमिली ने आज तक उन दोनों को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और तो और यूनिंग की लाइफ स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी रही है, उसके पास बचपन से ही सब कुछ था, जबकि वह अपने मैंसन से बाहर निकलकर इस दुनिया को देखना चाहती थी। और अब जब उसे मैंसन से बाहर निकाल दिया गया है, तो वह अपने इस सपने को पूरा करेगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।